रहमान रहीम, आपने पीछे इंट्रोडक्शन पढ़ा उसका, रेट रेट के बारे में, काइनेटिक्स के बारे में। आज हम उसमें रेट लॉज और रिएक्शंस ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे कि इसका क्या मीनिंग है। रेट लॉज क्या है? द पैटर्न इन रिएक्शंस रेट डेटा कैन ऑफन बी आइडेंटिफाइड बाय एग्जामिनिंग द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, द इंस्टेंटेनियस रेट राइट एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है उस वक्त हम उसको देखते हैं कि उसका रेट क्या है। मतलब सवाल, फॉर एग्जाम्पल, कोई रिएक्शन है जो स्टार्ट में फास्ट होते हैं, बाद में स्लो हो जाते हैं, ये सारी चीजें हम नोट करते हैं उसकी इनिशियल उसकी कंडीशन पे। अब इनिशियली जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है, एडवांटेज ऑफ एग्जामिनिंग द इनिशियल रेट इज दैट द प्रेजेंस ऑफ प्रोडक्ट लेटर इन द रिएक्शन मे अफेक्ट द रेट। यानी कि हमने एक रिएक्शन स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल ए और बी को मिलाया, अब कुछ देर के बाद सी बना, ठीक है, या कुछ देर के बाद बी की कंसंट्रेशन कम हो गई थोड़ी सी और उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस आने शुरू हुई, तो जो इनिशियल रेट हम इसलिए नोट करते हैं कि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट के जो रिएक्टेंट हैं सिर्फ और सिर्फ वो अफेक्ट कर रहे होते हैं रेट पे। रेट मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन, सादा लफ्जों में, ठीक है। तो बाद में चीजें जो बन जाती हैं वो भी इफेक्ट करना शुरू कर देती हैं वक्त के साथ साथ, जैसे टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, या क्रिस्टलाइजेशन होनी शुरू हो गई है प्रोडक्ट में, यानी कि आपकी प्रोडक्ट बनी है उसमें क्रिस्टल्स बनने शुरू हो गए, इस तरह की कोई भी चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं वो फिर अफेक्ट करना शुरू कर देती हैं रेट पे। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रेट इज देन क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, वो फिर इतने ज्यादा उस पे पैरामीटर बढ़ जाते हैं, फिर हमें ये बताना मुश्किल हो जाता है के रेट के ऊपर, इसके जो काइनेटिक स्टडी जब हम कर रहे होते हैं तो हमें वहां पर ये बताना मुश्किल हो जाता है कि ये जो चेंजेस आ रही हैं ये किस वजह से आ रही है, क्योंकि बाद में और भी फैक्टर्स आ जाते हैं। देर आर नो प्रोडक्ट्स प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। स्टार्ट में ये है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ही जीरो है, यानी कि अभी आपने रिएक्शन मिक्सचर में ए और बी को मिलाया और सी और डी अभी बना ही नहीं, तो अभी तक उनकी कंसंट्रेशन जीरो होगी। सो एनी पैटर्न ड्यू सोल्ली टू द रिएक्टेंट्स देमसेल्फ इज इजियर टू फाइंड। तो सब कुछ जो भी है दारोमदार रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, तो इसलिए उसको हम मेजर करना इजी होता है। ये किस चीज की बात हो रही है कि हम इनिशियल रेट क्यों हमेशा देखते हैं किसी भी रेट ऑफ द रिएक्शन में, उसके ये उसके बारे में लिखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी वर टू मेजर डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉलिड डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 इंटू 5 फ्लास्क ऑफ द सेम वॉल्यूम। हमने सेम वॉल्यूम लिया, सपोज वी वर टू मेजर डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉलिड डाई नाइट्रोजन फॉस्फेट डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इंटू 5 फ्लास्क ऑफ द सेम वॉल्यूम, इमर्स ऑल द फ्लास्क इन वाटर बाथ एट 65 डिग्री सेंटीग्रेड टू वेपराइज द सॉलिड कंप्लीटली, एंड देन वी देन यूज स्पेक्ट्रोमीट्री टू मॉनिटर द कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 रिमेनिंग इन द फ्लास्क एज इट डीकम्पोज। ये एक प्रोडक्ट है, ये आपने पिछली स्लाइड में भी देखा था, जिसमें हमने N2O5 की डीकम्पोजिशन और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 देखा था। इसमें हमने देखा था इसके 2 मोल जो है, आगे प्रोडक्ट में हमें 5 मोल मिलते हैं, ठीक है। अब जो बात है वो ये कह रहा है कि इसने हमने 5 फ्लास्कें ली हैं और उसको हमने वाटर बाथ पे रख दिया है, और फिर हम उसको चेक कर रहे हैं इसकी कंसंट्रेशन को। स्पेक्ट्रोमीट्री टेक्निक्स हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि इसके वो टेक्निक्स आपको बताया था जिससे हमें स्ट्रक्चरल एलुसिडेशन होती है, हमें कंसंट्रेशन का पता चलता है, हमें ये पता चलता है कौन सी चीज बनी है और कितनी बनी है। अब ये एक ग्राफ है, ये आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्क्रीन बड़ी करके दिखा। अच्छा, अब आ रहा होगा नजर। ईच फ्लास्क हैज अ डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। ये ग्राफ है टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का। इसमें अगर आप देखें मोलर कंसंट्रेशन N2O5 की मोल पर लीटर उसमें दिया हुआ है, और 0.02, 0.04, 0.06 और 0.08, यानी कि ऊपर की साइड पे कंसंट्रेशन उसकी बढ़ रही है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है प्रोडक्ट की, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है कंसंट्रेशन कम होती जा रही है आपके रिएक्टेंट की, ठीक है। ईच फ्लास्क हैज अ डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। वी डिटरमाइन द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इन ईच फ्लास्क बाय प्लॉटिंग द कंसंट्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फॉर ईच फ्लास्क। यानी कि हमने जो टेंजेंट ड्रा किया उसमें टाइम जीरो के ऊपर, ठीक है,
इनिशियली जब टाइम नहीं था तो हमने देखा हर फ्लास्क के अंदर जो है वो कंसंट्रेशन डिफरेंट है। ये 5 फ्लास्क हैं, इसमें आप देखें ये पहली फ्लास्क में ये थी कंसंट्रेशन, दूसरे में ये थी, तीसरे में ये थी, चौथे में और पांचवें में, यानी कि पांचों जगह पे जो उसकी कंसंट्रेशन थी वो हमें डिफरेंट आ रही थी। वी फाइंड हायर इनिशियल रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ वेपर स्टीपर टेंजेंट इन द फ्लास्क विद हायर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। अब दूसरी तरह से देखें, वन वे टू फाइंड आउट इज टू प्लॉट द इनिशियल रेट अगेंस्ट कंसंट्रेशन एंड डिटरमिन द टाइम ऑफ कर्व ऑब्टेंड। इन दिस केस द प्लॉट ऑफ द इनिशियल रेट अगेंस्ट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज अ स्ट्रेट लाइन विच इंडिकेट दैट द इनिशियल रेट इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि इनिशियली रेट जो है वो ज्यादा होगा अगर आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है, यानी कि उसकी जो डिकम्पोजिशन की हम बात करें, इनिशियल रेट ऑफ कंजम्पशन या डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2O5 की इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि अगर इनिशियली कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो डिकम्पोजिशन भी ज्यादा होगी, ठीक है, ये इसका मतलब है। बाय इंट्रोड्यूसिंग अ कॉन्स्टेंट के वी कैन राइट दिस प्रोपोर्शनैलिटी एज एन इक्वालिटी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ डिकम्पोजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2O5 की कंसंट्रेशन पे था कि इनिशियली उसकी कितनी कंसंट्रेशन है, यानी कि वो कितना डिकम्पोज होगा अगर इनिशियली कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, अगर इनिशियली 10 है तो ज्यादा होगा, अगर इनिशियली कंसंट्रेशन उसकी 5 है तो कम होगा कंपेरेटिवली। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें तो इज इक्वल टू का लगाएं तो वहां पर हम हमेशा एक कॉन्स्टेंट को ऐड करते हैं और वो कॉन्स्टेंट हमने लगाया के, ये स्मॉल के है और इसकी वैल्यू भी हमने आगे निकाली हुई है। द कॉन्स्टेंट के इज कॉल्ड द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन एंड इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन, ये हर रिएक्शन की एक खास के की वैल्यू होती है और हर दफा ये हर रिएक्शन की डिफरेंट होगी। डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट रेट कॉन्स्टेंट एंड द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन टेक प्लेस। इसके साथ हमें टेम्परेचर भी बताना पड़ता है कि किस टेम्परेचर के ऊपर ये के है, चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन भी 65 डिग्री सेंटीग्रेड, द स्लोप ऑफ द स्टेट स्टेट लाइन, ये फिर हम स्टेट लाइन से निकाल लेते हैं। F5 हमारे पास जो एक ट्राइंगल बनी इसमें हमने इसकी वैल्यू को लगा के हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और जो लास्ट आपने लेक्चर लिया द रेट एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 रिमेनिंग एट दैट इंस्टेंट विद द सेम कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वी देयरफॉर कंक्लूड दैट एट एनी स्टेट ऑफ द रिएक्शन द प्रोवाइडेड प्रोडक्ट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। हम फिर उसको जनरली कहते हैं कि ये इनिशियली कंसंट्रेशन के अलावा भी जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन पे उसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा। This equation is an example of the rate law, an expression for the instantaneous reaction rate in terms of the concentration of the species at any instance. Each reaction has its own characteristic rate law. जैसे ये rate equation की k की बात होती है, हर reaction की लहजा होती है, यहाँ पर वही बात है कि each reaction has its own characteristic rate law and rate constant k that is independent of the concentration of the reactant. यानी कि जो रेट लॉ है इसकी कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर आगे उसका अब हम इक्वेशन बनाने लगे हैं, द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 डिपेंड्स ऑन इट्स कंसंट्रेशन स्लोइंग डाउन एज द N2O5 कंसंट्रेशन, जैसे जैसे शुरू में आपको पता अगर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो उसका डीकम्पोजिशन भी ज्यादा थी, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी अगर कंसंट्रेशन कम होती जाए डीकम्पोजिशन भी उसी हिसाब से फिर स्लो डाउन होती जाएगी क्योंकि उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। टू एक्सप्लोर फर्दर हाउ रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन लेट्स कंसीडर द जनरल इक्वेशन। इसमें अगर आप देखें तो ये ए और बी से मिलने से प्रोडक्ट बना, स्मॉल ए और बी से हमें पता चल रहा है कि उसकी कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। Where A and B are the reactants and A and B small a are the stoichiometric coefficient of the balanced chemical equation. The dependence of the reaction rate on the
कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज गिवन बाय द इक्वेशन कॉल्ड द रेट लॉस इनटू एम और एन. एम और एन क्या है? इन दिस इक्वेशन के इज प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट कॉल्ड द रेट लॉ द से हम इसको निकालते हैं एंड दे आर अनरिलेटेड टू द कोफिशिएंट ए एंड बी इन द बैलेंस इक्वेशन. ठीक है, ए और बी जो इसके बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो और चीज है और ये और चीज है. द सिंपल रिएक्शन द एक्सपोनेंट्स आर यूजली स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर्स. फॉर मोर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हाउएवर द एक्सपोनेंट कैन बी नेगेटिव जीरो और इवन फ्रैक्शन. ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं. ये जो m और n है ना, यहाँ से हमें पता चलता है कि जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है रिएक्शन या फ्रैक्शन में. ठीक है, ये हमें इन चीजों से पता है. इन सिंपल रिएक्शन एक्सपोनेंट्स आर यूजली स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर होते हैं. फॉर मोर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हाउएवर द एक्सपोनेंट्स कैन बी नेगेटिव जीरो और इवन फ्रैक्शन. अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं इसके, इसको ज्यादा और एक्सप्लेन करते हैं. लेट्स कंसिडर रिएक्टेंट ए टू डिस्क्राइब हाउ एक्सपोनेंट इन द इनिशियल रेट लॉ अफेक्ट रेट रिएक्शन. वी कुड ऑल्सो एग्जामिन रिएक्टेंट बी और बोथ रिएक्टेंट, बट फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स बिगिन विद ओनली रिएक्टेंट ए. हाउ द रेट चेंजेस व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ द एक्सपोनेंट एम. इन जनरल द रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए, इसको हम पावर में लिखते हैं एम, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर. अच्छा जी, अब यहाँ पर आता है अगर m की वैल्यू माइनस वन हो द रेट इज प्रोपोर्शनल टू वन ओवर a, यानी कि a के ऊपर अगर माइनस होगा तो वन ओवर होगा. इसका मतलब है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला सीन हो गया. क्या मतलब? इफ a इज डबल द रेट डिक्रीजेस बाय द फैक्टर ऑफ टू, यानी कि अगर वो डबल होता है तो वो हाफ हो जाता है. ठीक है, यानी कि इतना उसका उल्टा असर पड़ता है. अगर m की वैल्यू जीरो हो द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ a, यानी कि जो रेट है वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा. बिकॉज एनी नंबर रेज टू द जीरोथ पावर इक्वल, यानी कि इसकी कोई पावर होगी तो जवाब हमें एक ही आना. इफ अगर m की वैल्यू एक होगी तो वो इसका क्या मतलब है कि वो सेम रहेगी. इफ a डबल द रेट डबल, यानी कि अगर रेट डबल होता है तो a की कंसंट्रेशन भी डबल होती है तो रेट भी डबल हो जाता है. अगर m की वैल्यू दो है तो वो चार गुना बढ़ जाएगी. ठीक है, यानी कि पावर में है ना, द रेट इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ फोर. यहां पर अगर आप देखें इस चीज को, उन्होंने ग्राफिकली भी एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, रेट चेंज व्हेन ए कंसंट्रेशन इज डबल. अगर इसकी कंसंट्रेशन डबल होती है तो रेट चेंज कैसे होगा? एक्सपोनेंट एम इन द रेट लॉ. ठीक है, इस साइड पे हम देखें तो एक्सपोनेंट एम को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और इस साइड पे हम उसका रेट चेंज जो होता है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. इफ एम इज नेगेटिव, ये नीचे लिखा हुआ है, द रेट डिक्रीज. ये जो हमने पहले ये बात लिखी है वो सारी की सारी इस तरह से उसको एक्सप्लेन किया गया है. द वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट एम एंड एम डिटरमिन्स द रिएक्शन ऑर्डर के, ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है या फ्रैक्शन है. विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, अ रिएक्शन इज जीरोथ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट व्हेन इट्स एक्सपोनेंट इन द रेट लॉ इज जीरो. ठीक है, अगर इसका जो एक्सपोनेंट है वो जीरो होगा तो हम उसको कहेंगे ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. सिंपली द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन रिएक्शन when its exponent is 1 and second order in the reaction when its exponent. ये तो है equation की हद तक बात. जो जरार ने ही पूछा, जो बाकी लोगों के भी जेहन में, कि हम इसको प्रैक्टिकली कैसे किसी चीज को देखते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम इनको फर्दर. ये बेसिकली एक तरह की रेट लॉस की एक जस्ट समरी सी है, बाकी हम इस डिटेल में इन सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो उसमें फिर आपका मजीद कंसेप्ट क्लियर होगा. ये सारी की सारी कंसेप्ट क्लियर करने वाली बात है, रटे वाली नहीं, कि वहां पर वो जीरो आ गए तो ये हो गया वो हो गया. ये मतलब इसको समझना भी है आपने, इसकी स्लोप को समझना, इसके ग्राफ को समझना और उसकी बेस पे एनालाइज करना चीजों को प्रैक्टिकली, कि प्रैक्टिकली हम काइनेटिक स्टडी जब करते हैं तो हमें ये चीजें कैसे पता चलती है कि ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, और उसके बाद हमें ये कैसे पता चलता है कि इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है. वो कुछ चीजें इक्वेशन से प्रूव हो रही होती हैं, कुछ उनकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन या कंसेप्ट होता है वो भी आपने अपने दिमाग में रखना है. ये सारी चीजें आपस में कोरिलेट कर रही होती हैं, कोरिलेट करके जो चीज कंसेप्ट बनता है वही आपका असल कंसेप्ट है, उसी को फिर आपने आगे लेके चलना होता है. और ये सारा FSC का ही, अभी तक मैं कुछ नया वैसे पढ़ाया नहीं है, ये सारा अभी तक FSC का. पता नहीं आपको FSC याद है कि नहीं, लेकिन अभी तक वही.
सिमिलरली अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इफ द रिएक्टर मैन इज एक्सपोनेंट इज वन एंड द सेकंड ऑर्डर अगर उसकी वैल्यू दो आती है तो वो सेकंड ऑर्डर है वन आती है तो वन है जीरो है तो जीरो. द सम ऑफ द एक्सपोनेंट एम और एन को अगर हम जमा करें डिफाइन द ओवरऑल रिएक्शन रेट. दस इफ द रेट लॉ उसके मुताबिक देखें यहां पर देखें तो के इक्वल टू ए स्क्वायर बी है, एम की वैल्यू दो है, एन की वैल्यू वन है और दोनों को जमा करें तो ये थ्री बनता है. वी से दैट द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर इन ए, फर्स्ट ऑर्डर इन बी एंड थर्ड ऑर्डर ओवरऑल. ये कंसेप्ट है जो आपने माइंड में रखना है, यानी कि ए के लिहाज से देखें तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर. बी के लिहाज से देखें तो फर्स्ट ऑर्डर है और ओवरऑल ये थर्ड ऑर्डर. ठीक है, दोनों को जमा करके द वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट इन अ रेट लॉ मस्ट बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट. ठीक है, दे कैन नॉट बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द स्टोइकोमेट्री ऑफ द रिएक्शन. अब ये जो बात है ये समझने वाली है. आपने जो वहां पर पहले पढ़ा था तो यहां पर आपने देखा था ए और बी था, स्मॉल ए और स्मॉल बी, वो तो हम स्टोइकोमेट्रिक इसको निकाल लेते हैं. लेकिन यहां पर जो बात है कि यहां पर हम जिसको एम और एन कहा था कि ये एक्सपेरिमेंटली निकलते हैं, स्टोइकोमेट्री जो इक्वेशन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ये चीज नहीं निकलती. देयर इज नो जनरल रिलेशनशिप बिटवीन द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड द एक्सपोनेंट इन द रेट लॉ. इन दोनों का फिर आपस में कोई लेना देना भी नहीं. द कोएफिशिएंट ऑफ ये एक केमिकल लिखा हुआ है सी सी एच थ्री, यानी कि कार्बन की चार वैलेंसी होती है, एक साइड पे ब्रोमीन लगी हुई है और तीनों साइडों पे उस पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है. एंड वाटर इन द बैलेंस्ड इक्वेशन आर बोथ वन, यानी कि अगर हम कोएफिशिएंट की बात करें ये केमिकल रिएक्शन अगर हम लिखें तो दोनों का कोएफिशिएंट वन है. बट द एक्सपोनेंट इन द रेट लॉ आर इसमें ये जो हमारे पास पहला कंपाउंड उसके लिए जीरो, वाटर के लिए जीरो है और ट्राई मिथाइल जो हमारे पास है इसमें ब्रोमीन, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास आ रहा है ये बेसिकली इसमें मतलब वो वन और जीरो आ रहा है. लेकिन अगर आप उसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें तो दोनों के साथ वन वन आएगा. लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली जब हमने इसको चेक किया तो ये जो एक्सपोनेंट की वैल्यू आ रही है उसमें जो सी एच थ्री थ्री सी बी आर के साथ एक आ रही है और वाटर के साथ जीरो आ रही है. तो यहाँ पर जब हमने इसका रेट लॉ लिखने के लिए देखा तो हमने फिर इनके ऊपर एक के ऊपर वन और वाटर के ऊपर जीरो लिखा, यानी कि जीरो का मतलब ये है कि वो उसमें कोई उसके ऊपर इम्पेक्ट नहीं कर रही वो चीज. ये आप यहाँ पर इक्वेशन देखें तो यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ और बनता है, और इस तरह से रेट लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें वहां पर कुछ और लिखना पड़ता है. ये पहली इक्वेशन देखें तो यहाँ पर जो रेट लॉ है उसमें जो कंसंट्रेशन है वो हमने सी एच थ्री थ्री सी बी आर की लगाई, और जो दूसरी है इसमें भी देखें तो नीचे हमारे पास है फॉर्मिक एसिड और ब्रोमीन का रिएक्शन है, उसमें भी देखें तो सिर्फ ब्रोमीन की है लगी हुई और जो फॉर्मिक एसिड है उसके साथ जीरो है लिखा हुआ. ठीक है, वो यहाँ पर यानी कि इसका जो एक्सपेरेंट की वैल्यू आएगी ना इसकी वो जीरो है, इसकी वन है, इस वजह से ये के बी आर टू लिखा हुआ. इसी तरीके से तीसरी क्वेश्चन है के बी आर ओ थ्री, इसमें यानी कि इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ब्रोमीन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और इसकी डबल पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि एच का यहाँ पर कोफिशेंट छ है. ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो हमने देखा तो वो एक्सपेरेंट की वैल्यू इसकी दो आती है तो इसलिए यहाँ पे टू लिखा हुआ. इस तरह इन दोनों में दोनों के सेम पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन और आयोडीन के यहाँ पर, इसलिए इसकी भी वन और इसकी भी वन. यानी कि आप ये कह सकते हैं द एक्सपोनेंट इन द रेट लॉ आर नॉट द सेम एज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन. यानी कि ये जो एक्सपोनेंट की वैल्यू और होती है और स्टोइकोमेट्रिक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कुछ और होता है. सम रिएक्शंस have rate laws that may depend differently on concentration. Similar measurements on the reaction do not give a straight line when we plot rate against concentration. Usme ye iski example di hui. How are the plot of the rate against the square of the concentration of NO2 is linear. ये है जी दो उसकी एग्जांपल दी है कि उसमें एक में आपको लीनियर नजर आ रही है और एक में आपको कर्व नजर आ रही है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NO2, और साथ हमने वो निकाला हुआ. ये उसी जो पहले हमने स्टार्ट में बात की थी उसकी एक्सप्लेनेशन है.
इस तरीके से द रेट लॉ फॉर द डीकम्पोजिशन, इसमें अगर आप डीकम्पोजिशन का हिसाब लगाए, N2O5 डीकम्पोज हुआ और हमारे पास जो बना था वो NO2 बना था और ऑक्सीजन बनी थी, ठीक है। अब द रेट लॉ फॉर द डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ N2O5, ठीक है, N2O5 हमने पहली क्वेश्चन में देखा था जिसमें NO2 डीकम्पोज हुआ था और O2 बना था। अब ये जो अलग से क्वेश्चन है कि NO2, अब पहले वो NO2 बना था N2O5 से, अब ये है NO2 से आगे फर्दर डीकम्पोज हो गए NO और O2 बना, ठीक है, उसकी ये बात कर रहा है कि ये NO2 आर डिफरेंट, ठीक है। रेट लॉ फॉर द डीकम्पोजिशन दोनों का डिफरेंट होगा, बट ईच हैज द फॉर्म, रेट लिखने का तरीका क्या है, कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन इन टू ए, वेयर ए इज द डीकम्पोजिशन N2O5 एंड 2 फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ NO2। अब हमारे पास वही जनरल बात है, द डीकम्पोजिशन N2O5 इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या मतलब इसका, कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कि N2O5 में देखें तो यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन के ऊपर हमने एक लिखा था, इसलिए ये कंसंट्रेशन, बिकॉज द रेट इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन और वो क्या थी, 1। द डीकम्पोज NO2 इज द, ये सेकेंड किया क्योंकि इसमें इसका एक्सपोनेंट जो था वो 2 था, बिकॉज इट्स रेट इज प्रोपोर्शनल टू द सेकेंड पावर ऑफ द कंसंट्रेशन। डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन एनी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इंक्रीज द रेट, यानी कि वो अगर हम डबल करेंगे तो वो 4 गुना हो जाएगा, वो बेसिकली उसका एक्सपोनेंट बन जाता है, 2 raised to power 2 इज इक्वल टू 4। सम रिएक्शन हैज अदर ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया डीकम्पोज इन टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ऑन अ हॉट प्लाटेनियम वायर, हॉट प्लाटेनियम वायर क्या है, कैटलिस्ट, ठीक है, उसके ऊपर इनका रिएक्शन करवाएं तो अमोनिया जो डीकम्पोज होकर N2 और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। शायद आपको याद हो अमोनिया बनाने के लिए भी हम इन दोनों को रिएक्शन करवाते हैं, N2 और हाइड्रोजन का आपस में रिएक्शन करवाते हैं, अमोनिया बन जाती है। लेकिन अगर हम अमोनिया को डीकम्पोज करें तो हम इसको हॉट एल्यूमिनियम वायर के साथ इसके साथ ये टच करें तो ये फिर डीकम्पोज भी हो जाता है। एक्सपेरिमेंट शोज दैट द डीकम्पोजिशन रेट, डीकम्पोजिशन टेक्स प्लेस एट अ कॉन्स्टेंट रेट अंटिल ऑल द अमोनिया हैज बीन कंज्यूम्ड, और ये कॉन्स्टेंट ही रहता है, इट्स रेट लॉ इज देयर फॉर के, ठीक है। के का क्या मतलब है, दिस डीकम्पोजिशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द रिएक्शन फॉर विच द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, यानी कि रिएक्शन की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट लॉ डिपेंड नहीं करता, बेशक वो कम कंसंट्रेशन हो या ज्यादा हो, वो डीकम्पोज होना ही होना है, जो स्पीड उसकी वही रहनी है। यानी कि इसका मतलब ये है जीरो ऑर्डर का, कि फॉर एग्जाम्पल अमोनिया के केस में अगर अमोनिया की कंसंट्रेशन शुरू में थी 10 किलो थी, ठीक है, तो तब भी उसी स्पीड से ये डीकम्पोज हुआ, और अगर इसकी शुरू में हमारे पास 1 किलो था तो तब भी उसकी वही स्पीड रही, यानी कि कंसंट्रेशन ज्यादा ही कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये अगर आप देखें कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वक्त के साथ साथ कम होती रहती है और एंड पे आके खत्म हो जाती है, और ये क्या है कि जीरो टाइम के ऊपर एक खास कंसंट्रेशन थी, वक्त गुजरता रहा, वक्त गुजरता, उसके बाद एकदम से ये जीरो पे चली गई, ठीक है। ये ए उसकी दो एग्जांपल्स हैं। द रेट लॉज फॉर द थ्री मोस्ट कॉमन ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, ये मोस्टली यूज होते हैं, और इसकी इक्वेशन लिखने का तरीका है कि रेट इज इक्वल टू के, किसी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन पे, ये बेसिकली मैंने आपको पहले बताया था कि ये 0, 1, 2 किसी एक रिएक्टेंट की बेस पे हम बात करते हैं, अगर ओवरऑल बात करनी हो डिफरेंट, जैसे वहां पर आपने एक एग्जांपल देखी कि के ए स्क्वायर बी था या इस तरह, तो वो ओवरऑल 3 होगा थर्ड ऑर्डर, लेकिन ए के हिसाब से ये फर्स्ट ऑर्डर है, इस तरह से ये ए के हिसाब से सेकेंड ऑर्डर है, तो हम ऐसे लिखेंगे इसके रेट लॉ को। द रेट फॉर ईच एक्सप्रेशन इन द इंस्टेंटेनियस रेट एंड ए कंसंट्रेशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट द इंस्टेंट ऑफ द